Hey guys, welcome back to the channel. I'm Florence George. You are already watching 91 Mobiles, and today we have got our hands on the latest AIO PC by HP. This one right here is the HP Envy Move. इसमें handle लगा हुआ है. What? See, सबसे पहले तो I have to let you know कि ये एक 23.8 inch की screen वाला all-in-one PC है. अगर इसके डिजाइन को चेकआउट करते हैं, फ्रंट में यहाँ आपको थोड़ी सी मोटी बेजल वाला ग्लॉसी टच पैनल मिल जाता है. मोर ऑन दिस लेटर. देन एट द बॉटम हियर वी हैव गॉट द फैब्रिक मेश टू कवर द डुअल 55 वॉट के बीएनओ ट्यून्ड स्पीकर्स. बॉटम में यहाँ पे आपको इसके दो फीट मिल जाते हैं, जो कि इनको आप जैसे ही लिफ्ट अप करते हैं ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं रिट्रैक्ट, एंड जैसे ही आप इसको वापस से प्लेस करते हैं यहाँ पे दे विल टर्न आउट टू बिकम द स्टैंड ऑफ दिस मॉनिटर स्लैश AIO. मोर ऑन दिस लेटर. और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना टिल्ट करने के लिए भी रूम मिल जाता है, जैसे कि मैंने करंटली इसको आगे कर दिया है, एंड अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे पीछे भी टिल्ट कर सकता हूँ. थोड़ा सा इसमें रूम आपको श्योरली अवेलेबल तो है. नाउ यहाँ पे इस मॉनिटर के इस AIO PC के रियर की तरफ में आपको ये पाउच मिल जाता है, जिस पाउच के अंदर आप इसके प्री बंडल्ड कीबोर्ड को प्लेस कर सकते हैं. वैसे अगर आप इस कीबोर्ड को यहाँ से हटा देते हैं तो ये जो मॉनिटर है स्लैश AIO PC है, इसका जो वेट है दैट इज 4.1 kgs, एंड क्योंकि यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है इट्स वेरी इजी टू कैरी दिस वन अराउंड. आप इसके कीबोर्ड को देखें तो यहाँ पे आपको ये 2-in-1 कीबोर्ड प्लस ट्रैकपैड मिल जाता है, जो कि एक ब्लूटूथ डिवाइस है. एंड क्योंकि ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है, आप चाहें तो इसको अलग से किसी थर्ड पार्टी लैपटॉप के अंदर, किसी थर्ड पार्टी पीसी के अंदर, या इवन अगर आप चाहें तो इसको एक स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन हियर. हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी मुझे बुरी लगती हैं. पॉइंट नंबर वन वुड बी कि यहाँ पे अगर मुझे कीबोर्ड की हाइट को इंक्रीज करना हो तो यहाँ बॉटम में कोई भी स्टैंड नहीं दिया हुआ है, कोई भी ऐसे रिट्रैक्टेबल स्टैंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो अगर मुझे हाइट इंक्रीज करनी है तो मैं यहाँ पे वो नहीं कर पाऊंगा. ऑल्सो यहाँ पे आपको कोई भी बैक लाइटिंग नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है इसमें आपको जो बैटरी है वो यहाँ पे आपको 4 AAA साइज की बैटरी मिल जाती है. दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे आपको जो है बैक लाइटिंग नहीं मिलती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो कीबोर्ड का एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया है. दैट्स वेरी जेन्युइनली इंप्रेसिव. एंड ट्रैकपैड भी काफी बढ़िया है, बस जो रह जाता है वो लाइटिंग होगी. और ऑफकोर्स इसके अंदर अलग से अगर एक होता ना पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए तो वो भी काफी वेलकम फीचर हो जाता, बट देन दिस इज वॉट वी गेट ओवर हियर. अब इस ऑल इन वन पीसी के साइड्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मिल जाता है USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट, जिसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी सपोर्टेड है. तो अगर आपको इससे डिस्प्ले को आउट लेना है तो वहां से श्योरली आप वो कर सकते हैं. देन वी हैव ऑल्सो गॉट अ USB 3.2 Gen 2 Type-A पोर्ट फॉर कनेक्टिविटी ऑफ USB, एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट द वॉल्यूम रॉकर्स इन हियर. राइट साइड देखें तो यहाँ पे स्क्रीन ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए बटन्स अवेलेबल हैं. देन हियर वी हैव अ पावर कनेक्टर का स्लॉट, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो इनपुट का पोर्ट HDMI का दैट टर्न्स दिस AIO PC इनटू आल्सो अ स्टैंड अलोन मॉनिटर. तो अगर आप चाहें तो इसको एज अ मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं विद योर कंसोल, या अगर आपके पास में गेमिंग कंसोल नहीं है तो आप चाहें तो इसको गेमिंग लैपटॉप के साथ भी जोड़ सकते हैं. बेसिकली ये एक मॉनिटर भी है फॉर श्योर. एंड देन यहां पे आपको मिल जाता है ये स्विच जो कि टॉगल करता है बिटवीन द विंडोज व्हिच इज करंटली रनिंग यहां पे. एंड देन इफ आई क्लिक ओवर हियर तो आप देख सकते हैं कि करंटली मैं शिफ्ट हो चुका हूं टुवर्ड्स द HDMI इनपुट. तो दैट्स इट. मैटर ऑफ फैक्ट क्योंकि यहां पे आपको स्पीकर्स भी दिए हुए हैं तो आप इसको टीवी भी बोल सकते हैं. इट्स अ 24-inch टेलीविजन. ऑल्सो इसका जो मेन पावर बटन है वो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाता है. बट बिकॉज थोड़ी देर पहले हम बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द स्क्रीन ऑफ दिस AIO स्लैश मॉनिटर स्लैश टीवी स्लैश व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. अब बात करते हैं स्क्रीन की. सी स्क्रीन में यहाँ पे आपको 23.8 इंच की क्वाड HD थोड़े से मोटे बेजल्स वाली एक IPS पैनल मिल जाता है, जो कि ऑफकोर्स टच इनेबल्ड भी है. तो यहाँ पे आप इसको टच स्क्रीन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो टच स्क्रीन है वो काफ़ी स्नैपी भी है. अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को ओपन करता हूँ तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिवली काम करती है. ये देखिए वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव बाय ऑल मीन्स. एंड अगर अब बात करते हैं मॉनिटर के रिफ्रेश रेट के बारे में तो यहाँ पे आपको 75Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है. अगर आप चाहें तो इसको डायल डाउन करके 60Hz भी कर सकते हैं. यहाँ पे 99% का sRGB कलर गैमेट का कवरेज मिल जाता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको इसका जो मेन पीक ब्राइटनेस है वो 300 nits का मिल जाता है. एंड अगर आप चाहें तो इसके अंदर कंटेंट कंज्यूम कर लें, कंटेंट को क्रिएट कर लें. मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो मॉनिटर है, ये जो AIO PC है, इसकी जो स्क्रीन है ये काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है. बट क्योंकि ये टच पैनल है थोड़ी सी ये ग्लॉसी तो डेफिनेटली ये होने वाली ही थी, एंड ये ग्लॉसी भी है. लेकिन अगर आपको ओवरऑल कंटेंट कंज्यूम करना है
बहुत इंप्रेसिव है, नो डिनाइंग द फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर यानी कि इसके वेबकैम की तरफ में। देखिए आपको टॉप पे ना वेबकैम तो मिलता है, वेबकैम का आपको शटर भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एकदम टॉप पे इसके वेंट्स मिल जाते हैं, ये एग्जॉस्ट वेंट है। अब इसके वेबकैम की क्वालिटी को चेक करें तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का क्वाड एचडी वेबकैम मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। एंड क्योंकि आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ, नो बुराई इन दैट। आई पर्सनली लाइक दिस वन वेरी मच बिकॉज क्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव है। हाउ इज द ऑडियो क्वालिटी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय द वे इसके अंदर आपको इंफ्रारेड स्कैनर भी मिल जाता है, तो अगर आपको विंडोज हेलो से लॉग इन करना है तो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, हालांकि हमने सेटअप नहीं किया बट है। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आपको एक एम्बियंट लाइट सेंसर मिल जाता है, जो कि इसकी ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस ऑफ द रूम जहां पे रखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो उसकी सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे हमने इसे ऑन किया हुआ है, तो इसमें अगर ब्राइटनेस बढ़ेगी तो स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आप चेंज ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली के फीचर के अंदर जाके इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपका जो मॉनिटर है वो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है उसको अडाप्ट करेगा या तो नहीं करेगा, बिकॉज सेंसर तो इसमें अवेलेबल है। बॉटम में जो B&O Tune 5+5 वॉट के स्पीकर्स हैं, दे आर ए वेरी लाउड एंड क्लियर, एंड बी यहाँ पे वी इवन हैव दिस माई HP एप्लीकेशन जहाँ से आप इसकी ऑडियो के प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हैं। एज हियर वी हैव म्यूजिक, वॉइस एंड मूवी के 3 डिफरेंट प्रीसेट्स, फिर यहीं से आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड प्रीसेट को भी यहां से चेंज कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है टुवर्ड्स हैविंग अ लुक एट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस HP Envy Move। देखिए सबसे पहले तो यहां पे आपको मिलता है 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर, 16GB की LPDDR5 RAM एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4800 MHz, 1TB की सॉलिड स्टेट ड्राइव विद सम डिसेंटली फास्ट रीड एंड राइट स्पीड्स, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Intel Iris Xe Graphics, 90 वॉट की यहाँ पे आपको चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, 83 वॉट आर की यहाँ पे आपको 6 सेल की बैटरी मिल जाती है, जो कि अगर आप बैटरी के बारे में बात करें, दिस बैटरी वुड लास्ट यू अराउंड 3 घंटे एंड 16 मिनट्स जब आप इसको नेटिव रेजोल्यूशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन द PC Mark 10 वीडियो प्लेबैक बेंचमार्क एट 80% का स्क्रीन ब्राइटनेस। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे कि आपको एक सिमिलर हार्डवेयर वाले लैपटॉप से मिलेंगे, यानी कि आपको सनबेंच के अंदर ऑलमोस्ट 8000 का स्कोर मिल जाता है, Geekbench पे आपको 9000 का स्कोर मिलता है, 3D Mark Nitrate में आपको 14000 का स्कोर मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेस्ट ऑल द स्कोर्स विल बी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। लेकिन सारे के सारे स्कोर्स के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मुझे यहां पे लगता है वो होगा इसका पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आप माई HP का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे ये जो मशीन है इसको आप परफॉर्मेंस मोड के अंदर डाल सकते हैं, एंड सारे ही गेम्स को सारे ही बेंचमार्क्स को हमने परफॉर्मेंस मोड के अंदर ही टेस्ट किया था। There is a performance mode over here. Even though in the performance mode, ये जो मशीन है बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है। Part of the reason why ऐसा हुआ is because कि यहाँ पे ना बहुत सारा real estate है to let the heat go, and इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे आवाज तो नहीं आती है। Let's now have a look at the most important thing, यानी कि gaming. अब यहाँ पे ये जो AIO है ये एज अ गेमिंग डिवाइस की तरह मार्केट नहीं किया हुआ है, फिर भी हम इसमें गेम्स रन करने वाले हैं क्योंकि मालिक इतना खर्चा हो गया है तो चिप्स का पैकेट भी ले ही लेते हैं ना। बात करते हैं चिप्स के पैकेट नंबर 1 के बारे में, यानी कि वैलोरेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमने दोनों ही गेम्स यानी कि GTA 5 और वैलोरेंट को रन किया है क्वाड HD यानी कि इसी के नेटिव रेजोल्यूशन के ऊपर। दोनों गेम्स को हमने लो सेटिंग्स पर ही टेस्ट किया हुआ है, तो वैलोरेंट में हमें मिले देखने के लिए 100 FPS का एवरेज, एंड जो मिला हमें 1% लोस दैट वर ओनली 57 FPS। तो देखा जाए तो वैलोरेंट भी यहाँ पे काफी प्लेबल है, वो भी क्वाड HD के रेजोल्यूशन के ऊपर। अगर आप सेम ही गेम को 1080p के ऊपर रन करेंगे थोड़े से आपको बेटर वहाँ पे फ्रेम रेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं GTA 5 के बारे में, तो यहाँ पे हमें मिला देखने के लिए 39 FPS का एवरेज, अगेन क्वाड HD का नेटिव रेजोल्यूशन, अगेन नॉर्मल यानी कि लो सेटिंग से गेम था, लेकिन स्टिल 39 FPS इज नॉट बैड बाय एनी मीन्स। अगर आप चाहें तो श्योरली क्वाड HD के रेजोल्यूशन पे यहाँ पे GTA 5 श्योरली खेल सकते तो हैं, और जो इसके 1% लोस थे दे वर 27 FPS। ऑल्सो जहां पर ये मशीन आवाज नहीं करती है वाइल प्लेइंग गेम्स, वहीं पे इसके जो टेम्परेचर्स हैं वो भी जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव हैं, बिकॉज यहां पे जब हमने गेम्स को रन किया था तो कभी भी मैंने नोटिस नहीं किया, इवन हमने 45 मिनट 1 घंटे तक हमने नॉन स्टॉप गेमिंग की, एंड उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जो इसके CPU के टेम्परेचर्स थे दे नेवर सरपास द मार्क ऑफ 70°C। तो ये सारे ही टेम्परेचर्स जो हैं वो 70 के नीचे ही रख लेता है, कभी भी इसको ओवरहीट होने ये नहीं देता है। तो
टेम्परेचर वाइज काफी बढ़िया थर्मल सॉल्यूशन है यहाँ पे। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स हैविंग अ लुक एट द वेरी मेन एंड फाइनल वर्डिक्ट। देखिए सबसे पहले तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 1,25,000 रुपीज। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि मशीन जो है वो सस्ती है या मशीन महंगी है। मोर इम्पॉर्टेंटली लॉजिक ये कहता है कि ये फीचर जो आपको प्रोवाइड करता है, ये ऑल इन वन पीसी, ये टीवी, ये मॉनिटर, ये सब कुछ अपने आप में एकदम ही यूनिक अप्रोच है। एक ऐसी मशीन जिसे आप एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में लेके जा सकते हैं, दैट टू विद जस्ट वन हैंड एंड एन इनबिल्ट हैंडल, इट्स समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। अब बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे मुझसे कि भाई लैपटॉप भी तो ऐसा होता है, लैपटॉप को उठाएंगे दूसरे कमरे में आकर रख देंगे, लेकिन वो जो लैपटॉप है वो लैपटॉप होगा, उसके अंदर आपको 24 इंच की स्क्रीन नहीं मिलने वाली, उसके अंदर आपको इनबिल्ट इतने अमेजिंग स्पीकर्स नहीं मिलने वाले। मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसा यूनिक डिवाइस है जिसको अगर आप डेली यूज़ करना चाहें तो ये इतना मॉडर्न एंड एलिगेंट है कि ये आपकी लाइफस्टाइल में इजीली ब्लेंड होने के लिए फुल ऑन रेडी है। हाँ, लेकिन अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। Do not forget to like, share and subscribe. I really like the machine. There is something quirky about this machine and थोड़े दिनों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले लगा था कि यार what is this twisted and weird device? लेकिन after a short time I grew some kind of a fondness towards it. तो अब ऐसा लगता है यार ये बढ़िया है and we have been using this thing in the office every single day. तो डेली इस्तेमाल हो रहा है एंड अभी तक हमको ये काफ़ी जम सा गया है। एंड ये जो कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है, मैंने इसको अपने फ़ोन के साथ भी यूज़ किया था और क्या तो बढ़िया ये चलता है। इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड दैट्स इट। वी आर गोना एंड द वीडियो ओवर हियर। आई वुड लाइक टू रियली आस्क यू टू प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, आप बताएं आपके थॉट्स क्या हैं रिगार्डिंग दिस मशीन। एंड मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, पीस आउट।